नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 10 जुलाई सावन पहला सोमवार, शिवलिंग पर चढ़ा दें ये गुप्त चीज, हर इच्छा होगी पूरी, वर्षों में मिलता है ऐसा शुभ संयोग। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन माह में सोमवार का दिन सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार सावन माह में कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को होगा। सावन के पहले सोमवार पर कई दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन व्रत करने और भगवान शिव का पूजन करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से सुखी वैवाहिक जीवन और मनचाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा और संपत्ति में भी वृद्धि का वरदान प्राप्त होगा। पूरे साल भर भोलेनाथ अपने पूजन से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि सावन सोमवार के दिन पूजन करने से हो जाते हैं। इन शुभ योग में शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव के साथ मां पार्वती की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह का हर दिन भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सावन मास के सोमवार का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन माह के सोमवार का व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी दिक्कतें भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ अपनी भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। कुमारी कन्याएं सावन सोमवार का अगर व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा पति प्राप्त होता है। जो भी वैवाहिक जोड़ा सावन सोमवार का व्रत करते हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और विवाह में आ रही वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियाँ समस्याएँ भी दूर हो जाती है। जो लोग 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं उनको भी सावन के सोमवार से ही 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, वह एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ खास प्रयोग करना चाहते हैं, कुछ खास प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भोलेनाथ को अपनी मनोकामना के हिसाब से द्रव्य अर्पित करें। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो भोलेनाथ आपको मनचाहा वरदान हाथों हाथ प्रदान कर देंगे। भोलेनाथ जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देंगे। ऐसा करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सावन का सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। शिव परिवार की पूजा अर्चना जरूर करें। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले तो सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, नहा धोकर नित्य यानी कि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन कोशिश करें सफ़ेद वस्त्र धारण करें, नीले काले वस्त्र इस दिन धारण ना करें। और फिर आप एक शुद्ध तांबे का लोटा ले लें और इस लोटे में आप शुद्ध जल भर लें और इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें। कच्चा दूध डालने के बाद थोड़ी से इसमें चावल, साबुत चावल डाल दें, हो सके तो 108 दाने के चावल डाल दें, थोड़ी सी मिश्री डाल दें। और फिर आप किसी पात्र में बेलपत्र ले लें, बेलपत्र अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। साथ ही धतूरा, भांग, आंकड़े का पुष्प, भांग वगैरह सब कुछ आप किसी पात्र में रख दें और आप यह एक लोटा जल ले जाकर महादेव को आप यानी कि शिवलिंग पर आप धीरे धीरे अर्पित करें। दोस्तों, धीरे धीरे आप अर्पित कर रहें और एक एक करके बेलपत्र आप उन्हें चढ़ाते रहें। दोस्तों, जितना बेलपत्र उन्हें अर्पित करेंगे उतनी ही बार उन्हें यह जल उनके ऊपर छोड़ें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। कोई भी कैसी भी मनोकामना हो महादेव की कृपा पूरी होगी। या फिर अगर आप सारी सामग्री नहीं ले गए हैं तो एक लोटा जल यह जरूर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या फिर नौकरी लग रही है प्रमोशन नहीं हो रहा,
बिजनेस व्यापार आपने खोल रखा है लेकिन बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तेज़ी से आपको मुनाफा नहीं हो रहा, आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप आंकड़े का पुष्प ले लें। अगर आंकड़े का पुष्प मिल जाए 5, 11, 21, 51, 108 इसे ले जाकर आप पहले एक लोटा जल चढ़ाएं, फिर यह आग का जो पुष्प है इसे ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, चढ़ा दें, इससे आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, घर में सुख समृद्धि और कलह क्लेश को मिटाने के लिए आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप क्या करें कि भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध जरूर अर्पित करें। कच्चा दूध से घर में सुखी जीवन जिएंगे और घर में चली आ रही परेशानियां, बड़ी से बड़ी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, धन भी प्राप्त होगा और घर में सुख समृद्धि भी बरसेगी। दोस्तों, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या फिर घर में पति पत्नी के बीच में आपस में संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप बेलपत्र 108 बेलपत्र जरूर चढ़ा दें और उसमें आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर चढ़ा दें सफ़ेद चंदन से। यकीन मानिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा, घर में संतान की प्राप्ति, सुखी वैवाहिक जियेंगे, सुखी वैवाहिक जीवन जियेंगे। दोस्तों, अगर धन प्राप्ति आने में अड़चने आ रही है या फिर आपको लगता है जैसे आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपका व्यापार चल ही नहीं रहा, जैसे धन आने के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, आप लाख प्रयास करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही, कोशिश कर 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 थक गए हैं, दोस्तों सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप क्या करें, मदार का पुष्प और आप थोड़े से भांग ले लें और आप धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल आपको आसानी से मिल जाएंगे, इसे ले जाकर और आप इसे शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा दें। ऐसा करने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी तुरंत दूर हो जाएगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुख समृद्धि बरसेगी, घर में किसी भी प्रकार के कलह क्लेश वो सब खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में बरसेगी भगवान भोलेनाथ की कृपा। दोस्तों, कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर कच्चा दूध सावन के महीने में जरूर उन्हें अर्पित करें। साथ ही साथ अगर आप उन्हें इलायची, लौंग और काली मिर्च अर्पित करते हैं तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, साथ ही शत्रुओं से भय नहीं लगता, शत्रु खुद आकर घुटने टेक देते हैं, जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाती है, घर में सुख समृद्धि हमेशा बरसती है और जीवन सुखी बन जाता है। तो सावन शिवलिंग का बहुत ही पावन दिन है, इस दिन आप भगवान को सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन और पंचामृत से अभिषेक करें और अगर आप के घर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है लंबे समय से, तो फिर आप 108 चावल के साबुत दाने शिवलिंग पर चढ़ा दें तो निश्चित तौर पर भगवान शिव की कृपा बरसेगी, हर मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे खुद चमत्कार। तो दोस्तों, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं भगवान भोलेनाथ से, वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में लिख दें हर हर महादेव। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय शिव शंभू, जय शनिदेव।